हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ माधवी रश्मि। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है सुबह का टाइम, मैंने नहा लिया है, बच्चे चले गए हैं स्कूल। तो जैसे ही बच्चे जाते हैं, जो भी घर में सामान फैला हुआ होता है वो मैं सारे उठा के तुरंत ही रख देती हूँ, ताकि ना मतलब वो देखने में बिल्कुल बुरे ना लगें। कई बार तो कुछ चीज़ें जैसे मैं बच्चों से ही मतलब उसी वक्त ही करवा लेती हूँ, जैसे कि जो उन्होंने टॉवल इधर उधर डाली होती है, या जो भी अपना सामान उतार के, या कुछ भी काम वगैरह होता है, वो छोटी छोटी चीज़ें, ताकि उन लोगों की भी ना आदत बनी रहे और उनको भी लगे कि हाँ ये कुछ जिम्मेदारियाँ उनकी भी हैं, ताकि आने वाले समय के लिए उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर वो कुछ चीज़ें सीखेंगे, उनको भी साफ़ सफाई की आदत बनी रहेगी। तो बहुत ज़रूरी होता है जब हम बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाते हैं तो किस तरीके से सीख रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर। तो जैसे ही बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद मैं फटाफट से नहा लेती हूँ और उसके बाद अभी मैं तैयार हो रही हूँ, और अपना नाश्ता मैं बच्चों के लंच जब तैयार कर रही होती तभी मैं बना लेती हूँ और इनका, ताकि एक ये भी काम अच्छा खासा जो होता है ना, कि हम अगर बाद के लिए अगर छोड़ देते हैं ना, तो कई बार क्या होता है रह जाता है और आलस आ जाता है कि भाई अभी बहुत थक गए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है बीच में, जैसे कि जब सुबह उठते हैं उतने बीच जब तक बच्चे जाते हैं, तो ये होता है कि बहुत सारा टाइम रह जाता है, तो उतने बीच में भूख भी लगने लगती है। तो अगर ऐसे होता है कि अगर बना हुआ रखा होता है ना, तो हमें सिर्फ ये रहता है कि बस फटाफट से नहाना धोना है, पूजा करना है, और उसके बाद हम सीधा नाश्ता कर लेंगे। बस ये होता है कि बस चाय मैं तुरंत बना लेती हूँ, ताकि वो थोड़ा सा गर्म गर्म अच्छा फील हो, क्योंकि रखी हुई चाय ना अच्छी नहीं लगती। तो अभी मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। पूजा करने के लिए सच बताऊँ तो मैं ना कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं करती, बट हाँ अच्छा लगता है डेली भगवान को याद करना, और ये नॉर्मली मेरी आदत रही है। बट हाँ ये भी है कि अगर सपोज मैं किसी दिन किसी वजह से नहीं भी करवाती हूँ, तो इतना मैं टेंशन नहीं लेती, ठीक है, अगर नहीं मिल पाया टाइम तो कोई बात नहीं। देखिए भगवान जी भी ये समझते हैं कि अगर भाई किसी को अगर टाइम नहीं मिल पाया तो शायद यही होगा। कई बार ना बहुत सारे लोग ना बहुत ज़्यादा सोच पड़ जाते हैं कि आज ये नहीं किया वो नहीं किया, तो भाई सच बताऊँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। हाँ, और जितना मुझे मानना होता है ना, मैं अपने घर के मंदिर में ही जितना मुझे करना होता सब कर लेती हूँ, उसके अलावा इधर उधर की जो मंदिर वगैरह जाना वो अलग बात होती है। तो यहाँ पे मैं अभी चाय बना रही हूँ, और चाय जब मैं बनाती हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं पहले पानी को उबाल रही हूँ, खूब वैसे कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं करती मैं। सबसे पहले ना क्या करती हूँ कि दूध और पानी को ना एक साथ मिक्स करके डाल देती हूँ, और मेरे को ज़्यादा ना दूध चाय वाली जो होती है ना अच्छी नहीं लगती, जिसमें ज़्यादा दूध पड़ा होता है ना, पता नहीं क्यों मुझे वो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। मतलब मीडियम रहना चाहिए, ना ज़्यादा कड़क हो ना ज़्यादा दूध वाली चाय हो, वो मीडियम हो। तो यहाँ पर मैं अपनी चाय बना रही हूँ। परी के पापा को मैंने पहले ही नाश्ता करा दिया था, क्योंकि आज उन्हें कहीं बाहर जाना था, तो वो चले गए हैं नाश्ता करके, और यहाँ पे सिर्फ अभी मैं ही हूँ, तो अकेले बैठ के नाश्ता करूँगी। पर सच्ची बताऊँ मुझे ये काम ना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, जब मुझे अकेले नाश्ता करना होता है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो जब ये होते साथ में ना, तो एक मज़ा ही अलग होता है कि भाई नाश्ता करते जा रहे हैं, बातें करते जा रहे हैं, और कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बच्चों के बारे में डिस्कस करते हैं, तो वो टाइम बहुत अच्छा लगता है मुझे। पर चलो कोई बात नहीं, और फिर अभी मैं यहाँ पे नाश्ता करने के बाद ना फिर तैयारी कर लूँगी खाना बनाने की, और उसके बाद फिर, क्योंकि जब दोपहर में बच्चे आ जाते हैं ना, तो फिर टाइम नहीं मिल पाता कि हम कुछ एक्स्ट्रा भी कर पाए। तो अभी बनाना क्या है ये भी माइंड में घूमता जा रहा है, जब तक मेरी चाय बनेगी, तो जब जैसे ही चाय बनती जाएगी तब तक मैं डिसाइड कर लूँगी कि क्या बनेगा। तो यहाँ पे मैं ना जल्दी से अपनी कड़क चाय बना लूँ, क्योंकि बड़ा बेसब्री से इंतज़ार होता है कि भाई मेरी चाय कब बनेगी, कब मैं इसको पीऊँगी। तो उसके बाद क्योंकि मेरे को चाय ही सीधा पीना है जाके, और मैं अगर जो भी सब्जी काटनी होती है वो मैं इस वक्त अभी निकाल के रख जाऊँगी, ताकि वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए, उसके अंदर उसको काट सकूँ, या कभी अगर दाल वाल बनानी होती है तो फिर मैं तुरंत तुरंत डिसाइड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो चाय के बर्तन है वो मैं वॉश कर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे सिंक में बर्तन बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, अगर वो गंदे होते हैं ना तो मैं उसे तुरंत तुरंत वॉश कर देती हूँ, क्योंकि एक चम्मच भी मुझे किचन मतलब जो गंदी होते हैं सिंक में बर्तन, वो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ये मेरी एक बार को गंदी आदत भी है और अच्छी आदत, गंदी आदत ये है कि कई बार मैं इसी चक्कर में अपना खाना भी ठंडा कर लेती हूँ कि ताकि बर्तन ना हो, बट हाँ अच्छी आदत यह है कि हमारे पर बर्डन नहीं पड़ता है कि भाई बर्तन रखे हुए हैं, और ना ही मतलब कि आदत पड़ती है, और ना ही ऐसे कीड़े मकोड़े वगैरह किचन में पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो बच्चों के लिए पपीता काट के रखा हुआ था, तो वो मैं नमक डाल के ले जा रही हूँ। तो परी को नमक डालना बिल्कुल पसंद नहीं, काला नमक जो होता है बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो उसके लिए मैं भी नहीं डालूँगी। तो आज निशू को शाम को करनी थी कुकिंग, क्योंकि निशू ने कहा था कि जो उसने सैंडविच सीखा था वो अपनी दीदी को बना के खिलाएगा, तो आज इनका दोनों बच्चों का सैंडविच वाला प्रोग्राम होने वाला है। सौस, सौस, ये देखो
निशु ने उस दिन करी थी स्कूल में कुकिंग, तो निशु को इतना अच्छा लगा तो निशु, तो यहाँ पे निशु ने कुकम्बर वगैरह सब मुझसे कटवाए हैं। और अब ऐसे ऐसे थोड़ी ना होता है, जब कुकिंग करते तो खाते थोड़ी ना रहते हैं, ये गंदी बात होती है भाई। पता नहीं, देखो वही देखो, दिस इज माय बिस्कुट, खत्म हो गए थे ना उस दिन। हाँ मना को लेने हैं, दूसरे हैं वो वाले को खत्म हुए, दो लाए थे वाली, तो खोल दो नहीं परी से खोलो, नहीं पहले सॉस डालना पड़ेगा। पर मेरा तो फास्ट है, मैं तो बनाए खा ही नहीं सकती। अरे मैं पूरी जगह ना अच्छे से फैलाते हैं उसको। हाँ चाहो तो तुम हाथ से भी उठा के कर सकते हो, हाँ कर दो बस इतना। आज इसको करना पड़ेगा, नहीं डाला था स्कूल में। अब जैसा निशु ने बनाया वैसे तुम्हें खाना पड़ेगा, और निशु ने बहुत अच्छा बनाया है। इतना कम सॉस डाला मैंने, निशु पे सॉस डाला था। अरे अरे मैंने स्कूल में भी ऐसे बनाया। अच्छा अच्छा इन्होंने सॉस भर भर के निशु ने तो वाह बेटा, सारे कुकम्बर एक ही में खत्म कर देने हैं क्या? अच्छा कई सारी लेयर्स बनानी है, अब करना। अब अच्छा अब इसके ऊपर नहीं तो इसे नहीं, तो नहीं, नहीं, रुको रुको रुको, इस वाले इसको वो करो तुम। अच्छा सुनो सुनो सुनो, एक सेकंड एक सेकंड, इस वाली जो नमकीन को इसको इसके ऊपर डाल दो भाई। परी रुक जाओ भाई, देखो निशु शेफ है तो निशु को ही करने दो, जो नहीं करो परी देखो नहीं करो, अब निशु को निशु करने दो। कैसा लग रहा है आपको, आपने स्कूल से ये सब सीखा है तो कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। वाओ वाओ क्या बात है, इतना भी बस इतने रह देना चल जाएगा। नहीं तो निशु ने बहुत ही अच्छा सैंडविच बना दिया है, और कितना अच्छा लग रहा है सच में, कलरफुल सा लग रहा है। जो मैं अभी नमकीन खा रहा हूँ, कट कट। ये देखो दोनों के दोनों कैसे लगे पड़े हैं। वैसे कैसा बना बड़ी अच्छा बना है, और आज है फास्ट और मैं खा नहीं सकती, मुझे सच में बहुत लालच आ रही है, मन कर रहा है मेरा खाने के, पर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं नहीं करने, तो जल्दी से भाई देखो किचन में कुछ भी फैलाना नहीं, ठीक है? तो परी को भी इतना शौक आ गया कि परी ने भी निशु को देख के अपनी नई कुकिंग करनी शुरू कर दी। ओह सर्विंग, परी को इतना शौक आ गया कि परी ने भी कुकिंग करने की सोच ली, और वैसे लग तो बहुत ही अच्छी रही है, सच में बहुत अच्छी खेल रही है। ओह माय गॉड मुंह में पानी आ रहा है, मतलब आज कुकिंग कुकिंग हो रही है क्लास में, मतलब ये मेरा सॉस स्कूल में, ये इनका चिली सॉस, माय गॉड। ये निशु खाएगा, निशु के लिए वो निशु खाएगा, नहीं निशु नाराज हो गया, और तुम इसको मनाओ और खिलाओ, खिलाऊंगी मेरा काम तो यही रह गया बस। आ तो जाएगा, मैंने वो लास्ट में दो ब्रेड के इतने सारे बनाने पकौड़े, आ जाओ कटलेट बनाए। अरे बट ट्राई तो करके देखो, इतना नाराज छोड़ी ना होते हैं, वही देखो कितनी गंदी बात है। आओ मैं नहीं खाऊंगा, अरे एक बार बस एक बार, नहीं प्लीज नहीं शो, चलो कोई बात नहीं, तो तुम्हारा ही भला हो जाएगा, देखने में तो अच्छा लग रहा है। चलो पर निहा न्यूज़पेपर डाल लेती, गिरेगा। फाइनली हमारा बकरा फंस गया है, मैंने बचाई नहीं था, मैं खा रही थी, और लास्ट में आ गया कूद के खुद ही, और उसने अब तीनों खा लिया ना। है निशु क्या हुआ? वैसे बता दो तो कैसा बना, सच सच बताना। हैं सही बने, टेस्टी। अरे वाह
दोस्ती हो गई। अगर पहले खा लेते तो कितना मजा आता, और मिल जाते। टेस्टी होना, सच में टेस्टी होना, मतलब तुम बता दो, मैं टेस्ट फील कर लूंगी। हैं पर तुम्हारा तो दीदी को पसंद नहीं है। नहीं मुझे पसंद आया, की दीदी अब कुकिंग कर लिया करेंगी ना। वैसे नीशू ने भी बहुत अच्छा सैंडविच बनाया, को पसंद नहीं आया। हाँ,